ये देखिए वाटर कैनन, ये देख सकते हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया है। आज ये शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से, ये देख सकते हैं आप। जस्मीन मीडिया के ऊपर भी, वाटर कैनन कैमरे के ऊपर भी सीधी तस्वीरें। जस्मीन यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे तमाम लोगों के ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। आप सीधे ये देखिए लड़की यहाँ पर घायल हो गई है। घायल घायल तो हो गए भैया, हम बच्चों को लेने स्कूल जा रहे थे, मैं तो रास्ते में सीधी चल रही थी। इन लोगों ने यहाँ पे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, इन लोगों ने पता नहीं क्या करके रखा हुआ है। जब तो पीसफुली जा रही है, परसों भी प्रदर्शन, दो दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ है, सब कुछ ठीक था, लोगों ने एक पत्थर तक नहीं उठाया इनके ऊपर। और इन लोगों की तानाशाही देखिए, इन्होंने आम जनता को, ये कोई बाहर से लोग नहीं आए हैं, ये घर घर से यही से निकल कर आए हैं। कुछ कारण है, कुछ मुद्दा गहन गंभीर है, इसी करके लोग घर घर से निकल कर आए हैं। बिल्कुल जैस्मिन टारगेट किया जा रहा है चुन चुन के। ये देखिए सीधे तौर पर तमाम लोगों को, चाहे वो मीडिया के, हाँ ये सारा कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करके काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आम जनता को भी इसमें संलिप्त किया जा रहा है, जो लोग सीधे जा रहे हैं अपने रास्ते में। और हाथ खड़े करती हुई तस्वीर भी आप देखिए, साफ इशारा है, एक तरीके से संकेत है कि कुछ भी कर लीजिए हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो कई तैयारियां करके भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों का कहना है कि पत्थर एक बार आगे बढ़ रही है, दोबारा से भीड़ आगे बढ़ना यहाँ पर शुरू हुई है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर, देखिए आप भीड़ आगे बढ़ रही है, दोबारा से भीड़ आगे बढ़ना यहाँ पर शुरू हुई है। जैसे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल फिर एक बार फिर, बिल्कुल जैसे यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो संघर्ष पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। लोग आगे, ये धक्का मुक्की, दीपक 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 सीधी तस्वीरें, दीपक सीधी तस्वीरें आप जैस्मिन यहाँ पर देख। और ये दोबारा से लाठीचार्ज की स्थिति बनती हुई, जैस्मिन दोबारा से लाठीचार्ज। दोबारा से बिल्कुल बिल्कुल दोबारा से आज का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है पकड़।
पकड़ पकड़ कर एक एक प्रदर्शनकारी को पीटने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सर जब आग लगती है तब तो पानी होता नहीं, आज हमारे ऊपर पानी बरसा रहे, ये क्या बात होती है? पीने को बिल्कुल पानी है नहीं, शिमला पानी है नहीं और ये पानी खुला बरसा रहे हैं, ये तो मजाक। यहाँ कुछ लोग हैं बहस से कर रहे हैं पानी आगे, ये तो बड़ा खराब होगा। ये जो पुलिस प्रशासन कर रही है ये बहुत अन्याय कर रही है और हम इंजनगढ़ तक जाके रहेंगे, चाहे हमारे लाशों के ऊपर से। इन्होंने हमारे बंदों को डंडों से बगैर मतलब के मारा है, शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा था। बिल्कुल उग्र हम कहते हैं, कह सकते हैं कि अब ये प्रदर्शन होता जा रहा है, प्रदर्शनकारी अब धीरे धीरे उग्र जैस्मिन हो रहे हैं। यहाँ पर जहाँ स्थिति बनती है लाठीचार्ज हो रहा है बिल्कुल, और लाठीचार्ज एक बार फिर से पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। एक तस्वीर में आप देखेंगे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के वक्त पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। वाटर कैनन का भी कोई यहां पर असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो पहले से ही छतरी लेकर पहुंचे क्योंकि वो जानते होंगे कि इस तरह से भीड़ जब आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि पूरी तैयारी से प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे मूवमेंट अप हो रही है, एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस की तरफ से मंगवाई गई है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स मंगवा रहे हैं। धीरे धीरे पुलिस अब आगे बढ़ रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब आगे बढ़ रही है, तो जो एक्शन है उसको अब तेजी से इंप्लीमेंट करने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है। यहाँ पर धीरे धीरे अब फोर्स को भी बढ़ाया जा रहा है और साथ में ये देखिए दोबारा से हलचल तेज यहाँ पर होती हुई दिख रही है जस्मीन। बिल्कुल धीरे धीरे अब एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगवाई गई है, इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड का वाहन है उसको भी आगे मूव किया जा रहा है। धीरे धीरे संख्या में बड़ी संख्या में अपने जो प्रदर्शनकारी है उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है जस्मीन। ये बड़ी स्थिति है, प्रदर्शनकारियों की संख्या जो पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि कम होगी वो संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे प्रदर्शनकारी यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं और उग्र होते जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे हैं। यहाँ पर एनफोर्स की गई थी धारा 163, बड़ी संख्या में 1000 पुलिस बल की तैनाती की बात कही जा रही थी, 1000 के करीब पुलिस बल। लेकिन अब जो स्थिति है वो अनियंत्रित होती जा रही है, उग्र पुलिस प्रदर्शनकारी होते जा रहे हैं। धीरे धीरे वाटर कैनन आगे लाया जा रहा है, पुलिस फोर्स ये देखिए एसपी की तरफ से सीधे निर्देश हुए हैं कि वाटर कैनन आगे लाया जाए, आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे पुलिस फोर्स को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि जो भीड़ जमा है इसके ऊपर लाठीचार्ज किया जा सके, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा सके, ये तमाम चीजें यहाँ पर होती हुई अब दिख रही है। और धीरे धीरे ये जो वाहन है वाटर कैनन, अगर एक गाड़ी खराब खत्म होती है तो उसके पीछे दूसरी गाड़ी है, पुख्ता इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर। उन्होंने हमारे को बैरिकेड लगा के टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी, हम नहीं चाहते थे कि हमें ये प्रशासन से लड़े टक्कर लें, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर कर दिया और हम चाहते हैं कि ये जो हमें शांतिपूर्वक धरना देने दे, प्रशासन ने मजबूर किया है। आज जो टकराव हुआ है वो प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, लेकिन हम अपनी इस अवैध मस्जिद को तोड़ने की मुहिम में शामिल है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द छूटे। और ये जो माहौल है, ये जो कार्यक्रम है, ये आगे लगातार बना रहेगा और शिमला से लेकर के हिमाचल तक इस कार्यक्रम को हम लेकर के जाएंगे। बिल्कुल, तो प्रदर्शनकारी जस्मीन उग्र होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं और धीरे धीरे जो फोर्स है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर फोर्स भी बढ़ाई जा रही है और ये जो गाड़ी है वाटर कैनन है इसको भी आगे लाया जा रहा है और ये संघर्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हो रहा है। प्रदर्शनकारी है जो संचौली चौक बिल्कुल
बिल्कुल जस्मीन, डीसी शिमला, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल 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 प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर, जैसे देख सकते हैं मुश्किल हो रहा है। तमाम जो प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा हुए हैं, वहां पर जो जुटे हुए हैं, वाटर कैनन भी फेल साबित है इनके प्रदर्शन के आगे, क्योंकि इनकी मांगे हैं कि जो अवैध निर्माण है उसको वहां से हटा दिया जाए। डीसी यहां पर पहुंच चुके हैं, एसपी यहां पर स्थिति दे रहे हैं, एएसपी यहां पर पूरा ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या कुछ यहां पर हो रहा है। तो तमाम जो सरकारी अमला है वो यहां पर पहुंचा हुआ है, कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से, लेकिन देखते हैं अब किस प्रकार से स्थिति को, जो जिला के सभी आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी हटने का नाम नहीं, बल्कि उन्होंने एक आखिर गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठी चार्ज और हिंदू समाज पे लाठी चार्ज किया, ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से सुनजोली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज किया गया और हमारी जो सभी लोग थे उनको अलग अलग किया गया। सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज किया गया और हमारी जो क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या विषय क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं विषय, विषय ये है कि चौथे दिन यहाँ शहर में पानी आ रहा है और इनको जनता को बर्बाद करने के लिए पानी हम पे फेंका जा रहा है, लाठी चार्ज कर रहे हैं, हम अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, हमें करने दिया जाए। चौथे दिन पानी आ रहा है, हमारे को नहलाने के लिए पानी फेंका, पानी भी गंदा था, हम बोल रहे हैं हमारे को बात करने दो, एक एक को पानी है, सीवरेज वाला पानी यूज कर रहे हैं वोटर। ये देवभूमि में देव भक्तों पर जो ये आज आक्रमण हुआ है ना, इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं, वन शिक्षित का ब्रिज भी पुलिस वालों ने किया, हम विदाउट वेपन कर रहे हैं और पर महिलाओं के ऊपर पानी डाला जा रहा है। मैं सुखू सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या पीने के लिए जिस देश में पानी नहीं उपलब्ध नहीं है? हमारे भाइयों पे इस तरह से लाठी चार्ज किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत, और महिला के ऊपर पानी डाला जा रहा है, गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मीन, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शांति दिखे कर रहे हैं, हम जैस्मीन बिल्कुल, और बैरिकेडिंग दोबारा से अब आगे करने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रदर्शन रुकावट करो, पानी से मत बिगाओ, हमारे को लड़ने दो, सही लड़ो ना, जब लड़ना है और हमारे को घंटे की मार रहे लो, ऐसे क्या है प्रदूषण? सुखू सरकार से ये मानना है कि गुजर का मुर्दाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा से वाटर कैनन की शुरुआत हम कह सकते हैं धीरे धीरे होने वाली है यहाँ पर जैस्मीन, और क्योंकि टारगेट सीधा लंबी पहुँच है तो इसलिए कोशिश करेंगे कि वाटर कैनन की पहुँच से बाहर होकर हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करें। क्या कहेंगे भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी, और ये देखिए जमावड़ा है, लंबा जमावड़ा है यहाँ पर, एक घायल एक प्रदर्शनकारी हो गए, पुलिस वालों ने नीचे लिटाया, उसके बाद सिर में, एब्डोमिनल में और चेस्ट में, बाजू में और यहाँ मारा उन्होंने, इनका फ्रैक्चर हो गया, पुलिस वाले इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं जैसे भैंस को मार रहे हैं, ये भी साले पागल हो गए हैं, इनको भी ये पता नहीं लग रहा कि हम लोग भी इंसान है। बिल्कुल, ये देखिए प्रदर्शनकारी घायल होते हुए यहाँ पे, और आरोप बड़ा सीधा लगा रहे हैं कि लेटा कर ऊपर से चढ़ के पुलिस वालों ने पीटा, ये इन प्रदर्शनकारी का कहना है जो यहाँ पर घायल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मीन, मुझे लगता है सरकार पागल हो चुकी है, इतने लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं और पानी डाल रहे हैं, इस तरह से इनको पता था, आज सारे स्कूल सारे ओपन रखे हुए, स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, बच्चे लाने हैं स्कूल से, कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, सारे स्कूल ओपन रखे हुए इन्होंने, स्कूल में तो कम से कम बंद करवा देते, इनको पता था कि ऐसा होना है, बैरिकेड होना है, बैरिकेडिंग की हुई है, इसके बाद लाठी चार्ज कर रहे हैं, पैर तोड़ दिए लोगों के, सिर फाड़ दिए, सुक्खू सरकार हाय थू, गुस्सा प्रशासन के खिलाफ यहाँ प्रदर्शनकारियों में सीधे तौर पर देखा जा सकता है। और आगे देखिए जैस्मीन, ये अब दोबारा से बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है और जो अब वाटर कैनन का इस्तेमाल, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं तैयारी बिल्कुल है प्रशासन की तरफ से ताकि दोबारा से प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया जा सके। मैं न्यूज 18 से इतना बोलना चाहूंगा, न्यूज 18 के द्वारा ये पता किया जाए कि जो शांतिपूर्ण तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे थे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया जा सके। मैं न्यूज 18 से इतना बोलना चाहूंगा
इन न्यूज 18 के द्वारा ये पता किया जाए कि जो शांतिपूर्ण तरीके से एजिटेशन कर रहे थे हिंदू लोग, उनके ऊपर लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया है और ये पानी बरसाने का ऑर्डर किसने दिया है। उनके लिए बॉर्डर की तरह जो बॉर्डर पे लगाए, बॉर्डर में भी इतने तगड़े बैरिकेड्स लगाए हैं इंडिया के ना, उसको क्यों लगाया गया है? इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स क्यों लगाए गए थे हिंदुओं के लिए? शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए हमें इजाजत दी गई थी तो क्यों नहीं करने दिया? क्यों पुलिस? किस हिंदू के हाथ में आपने पत्थर देखे? किस हिंदू के हाथ में आपने लाठी रखी आपके कैमरे ने? हिंदू शांतिपूर्ण ढंग से चला हुआ था, उसको करने देते एक प्यारा सा स्टेशन, लेकिन नहीं, ये मुसलमान ये बाथरूम में टॉयलेट में गेट खोल के बैठते हैं। पांच मंजिला बिल्डिंग के आप अपनी आंखें बंद कर लो, हम तो ऐसे ही बैठेंगे। तो क्या मुसलमानों के इलाके में आप मंदिर बना सकते हैं? तो इसी के विरुद्ध ये एजिटेशन हो रहा है, सरकार सुन नहीं। ये रेडी फेड़ी वाले रोहिंग्या हैं और हिंदुओं को यहाँ बैठने नहीं देते, उनको घेर लेते हैं, उनका सामान बेचने नहीं देते, उनको घेर। देखिए, एक हिंदू समाज के साथ कितनी बड़ी ज़ाब्ती यहाँ सुखविंदर सिंह सुक्कू सरकार द्वारा की जा रही है, महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, ऐसी क्या नौबत आ गई? फिर मुझे लगता है आने वाले समय में सुखविंदर सिंह सुक्कू की सरकार यहाँ पर सारे मंदिर बंद करा के मस्जिदों को खोलना शुरू कर देगी। ये हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। लाठी चार्ज यहाँ क्यों हुआ, किसने करवाया, उस इंसान को यहाँ बुलाया जाए, अन्यथा हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। हम अब तो सब जो मांगे हैं वो तो पहले है ही है। अब सबसे पहली मांग तो ये प्रदर्शन कब बंद होगा? डीसी साहब आके बताए कि लाठी चार्ज किस मजिस्ट्रेट के कहने पे किया गया है। यहाँ महिलाओं को चोटें आई, छोटे छोटे स्कूल के दो बच्चे जा रहे थे, उनके सिर पर डंडा मार दिया। अरे ऐसा भी क्या दमनकारी नीति हुई? ये हिंदू समाज है, आतंकवादी नहीं थे यहाँ पे ऐसे आंदोलन करने। परमिशन मांगी थी आपसे सत्य प्रकाश मेमोरियल स्कूल के ग्राउंड की शांतिपूर्वक, आपने 163 लगा के हिंदू समाज की भावनाओं को हत कर दिया। जस्मीन, और ये आगे देख सकते हैं यहाँ पर अब जो नारेबाजी है, जो नारेबाजी यहाँ पर है वो लगातार यह हो रही है और लोग बैठ रहे हैं सड़कों पर, प्रदर्शनकारी नीचे बैठना शुरू हो गए हैं। जस्मीन, ये बड़ी अब यहाँ पर स्थिति जो है तो वो गंभीर होती जा रही है, क्योंकि जब तक लोग नीचे बैठे रहेंगे ना उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग हो सकता है और ना ही यहाँ से लोगों को हटाया जा सकता है। ये बैठने की जो स्थिति है अब ये गंभीर होती जा रही है। हालांकि समय जरूर मिला है प्रदर्शनकारियों को, पुलिस को, इतने में जो बैरिकेटिंग हटाई गई थी उसको दोबारा से बोलने का। एक प्रदर्शनकारी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर? एसपी शिमला शासन प्रशासन को आज चंद वोटों की खातिर अपने लोगों पर लाठी मांझनी पड़ रही है, इससे बुरा इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। एसपी शिमला, आपको पता है कि शिमला में क्या हो रहा है, कितने घुसपैठिए शिमला में है। जब हम आपसे बार बार निवेदन करते हमें जानकारी दो तो आपका जवाब ना होता है। आज जो कृत्य आपने किया ये हिंदू समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। गुस्सा लोगों में, जस्मीन, गुस्सा यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के बीच में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अब दोबारा से बैरिकेटिंग जरूर रिस्टोर कर दी गई है। बड़ी संख्या में अब पुलिस के जवान हैं, वो बैरिकेटिंग से आगे अब आ गए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारियों से बात हो सके, प्रदर्शनकारियों को समझाया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिलसिला है बातचीत का वो यहाँ पर लगातार जारी है और लोग प्रदर्शनकारी लोग बात करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जस्मीन, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लाउड स्पीकर का सहारा पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है, धीरे धीरे लाउड स्पीकर का सहारा पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है और ये देखिए ये निचली तरफ को अब धीरे धीरे तमाम जो
तमाम जो प्रदर्शनकारी है उनको निचली तरफ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जो दूसरी तरफ से अंदर का रास्ता है उसको भी बैरिकेड कर दिया गया है और अब जो दोबारा से वाटर कैनन है उसके लिए खोल दिया गया है। कुछ देर में दोबारा से हम देख सकते हैं वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जो दूसरी गाड़ी वाटर कैनन की है वो भी शुरू कर दी गई है, वो भी तैयार रखी गई है। तो अब ऐसे में स्थिति जरूर देखने लायक बन रही है जैस्मीन, अब क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया जाता है। लेकिन जो बड़े सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, लाठीचार्ज यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर हुआ, वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर हुआ और एक एक करके जरूर हमने तस्वीरें सीधे तौर ये देखिए जैस्मीन, यहाँ पर जूते गिरे हैं, किसके कपड़े गिरे हैं और लगातार ये स्थिति यहाँ पर बनती जा रही है। लगातार जो अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर था, ये गंभीर माहौल यहाँ पर, चिंताजनक माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जरूर हम कह सकते हैं कि इतने में जो समय मिला उसमें जरूर पुलिस की तरफ से रिस्टोरिंग तमाम चीजों को किया गया है।